अजंता एलोरा के अंतिम एपिसोड और एपिसोड 41 में पद से लेके 45 तक पाँच दो मिनट लगा। तो अब हम कर रहे हैं अजंता एलोरा का एपिसोड नंबर 5 शुभारंभ पहला पद। शत विक्षित धन्यवाद, शत शत नमन है भारत के प्राचीन शिल्पकला के अभिमान को। ये कवि रोहतास चंद कह रहा है, शत शत नमन है भारत के प्राचीन शिल्पकला के अभिमान को, शत शत प्रणाम है विश्व के अजूबे अजंता की गुफाओं को, शत शत प्रणाम है बौद्ध जीवन शैली के तत्कालीन वैश्विक फैलाव को, कोट कोट शत शत दंडवत नमस्कार है मानव हृदय की शीतलता के प्रतीत बुद्ध महान को। दूसरा पद, सविनय निवेदन है। अब ये कह रहा है कवि रोहतास गुप्ता, ये सारा कुछ कह के अब वो भारत सरकार को कह रहा है। और क्या कह रहा है मैं आपको ये बताऊं कि हम ये कहते हैं हमारे पास में जॉब नहीं है, हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक नहीं आते, और जो लोग इतने अब तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की उनको डिग्री मिलती है, और वो लोग इसमें अपना रोटी रोजी ढूंढ सकते हैं, बहुत अच्छा अपना भविष्य और कैरियर बना सकते हैं अगर भारत सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। मेरे को याद है मैं एक बार गोवा यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया, तो उन दिनों में ये कोंकण रेलवे बन रहा था, तो उन दिनों में डायरेक्टली ट्रेन जो है वो वास्को डी गामा शहर में जाती थी, उससे मैं नाम भूल गया हूँ, उससे पहले वहाँ रुकती थी और वहाँ से फिर बंदे को टैक्सी करके जाना होता था या बस में जाना होता था। तो मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ कि गाड़ी रेलगाड़ी वहाँ सुबह 4 बजे पहुँची और एक अंग्रेजन जवान लड़की जो देखने में सुंदर और सारी मिला के 25 साल की होगी, और वो जैसे ही ट्रेन से मेरे डब्बे में फर्स्ट क्लास की सीन जो बाहर उतरी तो उसके पीछे कम से कम भी 50 के करीब लोग लग गए, और वो कितनी डरी हुई होगी। मैंने फिर मेरे को आप माफ़ करेंगे, मैंने अंतिम दृश्य क्या हुआ देखा नहीं, 50 लोग उसके पीछे लग गए होंगे समझे, और उसका क्या दुर्दशा हुई होगी या सौभाग्यवश का वो ठीक रही होगी। ये हाल है जो मैंने एग्जाम्पल दी है यहाँ के पर्यटकों की। कवि रोहतास गुप्ता ये कहना चाहता है भारत सरकार से और हर प्रदेश की सरकार विशेष से कि दोबारा से नया चैप्टर लिखो, नया पाठ लिखो, और ये देखो कि आपके यहाँ कितने कितने सारे पर्यटक के स्थल हैं और वो कैसे उनका आप डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं, उनमें से छोटे पैकेज बनाओ, उनमें से छोटे पैकेजेस को बना के बड़े पैकेज बनाओ और उससे बड़े पैकेज बनाओ, और इस तरह से करो कि बिल्कुल ना पैसे ज़्यादा हों ना ज़्यादा ना कम टैरिफ हो आपके पास में, डिफरेंट पैकेज में आपको फर्स्ट क्लास AC बसेस हों और आप और उसका आप ऑनलाइन बढ़िया अपना वो बना करके क्या कहते हैं उसको इंटरनेट पर क्या बोलते हैं उस वेबसाइट बना के, और वहाँ देखिए कि ऑनलाइन ही आपकी वहाँ रिजर्वेशन हो, उनको ऑनलाइन ही बस की रिजर्वेशन हो जो एयर कंडीशन हो, ऑनलाइन ही वहाँ उसके लड़की की जैसे लड़की आई उसका वो हो होटल में रिजर्वेशन हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हो उसी होटल में, दोपहर का खाना आप जहाँ भी लेके जाएं वहाँ खिलाएं, रात का खाना फिर उसी होटल में रहकर हो, और वहाँ के बाहर के लोग पैसे देने को तैयार हैं अगर आप उनका यहाँ भारतवर्ष में आना एक सुविधाजनक बना दें, और एक ऐसा कि उनके श्रमण शक्ति में एक बहुत ही अविस्मरणीय वो याद बन के खुशी की लहर फैला कर रहे, तो इसके लिए ये संभव है। और ये संभव है इसमें एक एक शहर में, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र शहर में कम से कम भी मैं आपको बता रहा हूँ और भी कुछ नहीं तो 100 जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, उनको लेक्चरर के पद पर उसी स्केल में उनको वहाँ रखा जा सकता है। उनके नीचे जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएट से BA पास कर रखी है उनके अगर 100 वो रखें तो कम से कम भी और भी कुछ नहीं तो कम से कम भी और भी कुछ नहीं तो 5,000 वो रखे जा सकते हैं। और जहाँ 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 महाराष्ट्र सरकार के आगे ही पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थलों पर जो वहाँ के होटल हैं उसके अलावा और होटल बनाए जाए और रूम ऑक्यूपेंसी को बढ़ाया जाए, मैं कह रहा हूँ, और सारे भारतवर्ष में ऐसा किया जाए। भारतवर्ष का पर्यटन विभाग और पर्यटन ये जो
उद्योग है एक महान उद्योग बन के सामने आ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेन उपलब्ध हैं, मैं इस समय अमेरिका से बोल रहा हूँ, यहाँ कोई ट्रेन उपलब्ध नहीं है, और जो लॉन्ग रूट की तो कोई गाड़ी नहीं है, और छोटी रूट की गाड़ी है कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऑनलाइन वहीं जाके बैठ जाते हैं जो मेरे को पता है, और वहीं कंडक्टर मिलता है जैसे बसों में कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर एक कंपार्टमेंट में होता है, वो वहीं आपको चिट देता है, टिकट देता है। इसके विपरीत भारतवर्ष की जो हमारी जन शताब्दी है, हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस है, हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस है, दूर अंत तक है और कितनी चल गई हैं, उनका फर्स्ट क्लास हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास से बेटर है, और हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास से मेरे ख्याल में बहुत ही कम उसमें टैरिफ में उपलब्ध है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इसको बैठ के पढ़े लिखे लोग अगर इसको बैठ कर, सिर्फ ये नहीं कि भाई पर्यटन उद्योग का जो जनरल सेक्रेटरी है उसने एमए हिंदी कर रखी है क्योंकि वो आईएएस बन गया और वो सेक्रेटरी बन गया, उससे कहा जाए तो मेरे को माफ़ करना, वो करने में सक्षम रहेगा। इसमें सिर्फ उन्हीं छात्रों को लिया जाए जो जो यूनिवर्सिटी में एमए टूरिज्म में फर्स्ट आए हैं, या जिनकी जो प्रथम श्रेणी में जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, उन सबका डाटा आपके पास हो, अरे बढ़िया एक निज़ाम बनाओ, बढ़िया प्रबंधन की समिति बनाओ और बढ़िया जाल बिछाओ, आप देखो देखो कितना मज़ा आता है। तो ये प्रोफेसर रताश गुप्ता ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। सविनय निवेदन है भारत सरकार के पुरातन विभाग को, सविनय निवेदन है भारत सरकार के पुरातत्व विभाग को, सविनय प्रार्थना है महाराष्ट्र राज्य सरकार को, और सविनय निवेदन है देश प्रदेश की विशेष सरकारों को, करबद्ध अनुरोध है रताश गुप्ता का, करबद्ध अनुरोध है सभी सरकारों के तमाम होदेदारों से, आग्रह है सभी कार्यरत सेवारत कर्मचारियों से, अजंता की गुफाओं के परिसर की सुध ले लो, उद्धार इनका उद्धार कर दो, इन्हें इनकी आयु लौटा दो, इनकी खबर सुध ले लो, इन्हें इनका गौरव लौटा दो। तीसरा, अजंता यह एक राष्ट्रीय स्मारक है, यह हम सबको एहसास है, मात्र कुछ पौधों रोपण कर दो, पीपल बड़ नीम शीशम आदि, और फलदार और फूलदार बोगनविलिया जैसे पादपों को रोपित कर दो, हैं बोगनविलिया गुलमोहर अमलतास फूलदार वृक्ष लगा दो, इस विश्व स्तर के भारतीय अजूबों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बना दो। चौथा, चीन जापान वियतनाम कंबोडिया उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया म्यांमार भूटान व तिब्बत, देखो कभी रोहतास गुप्ता क्या कह रहा है, असीम संभावनाएं हैं, असीम कहता है, असीम संभावनाएं जो इस पद से बिल्कुल साफ सुथरी सामने आती हैं, चीन जापान वियतनाम कंबोडिया उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया म्यांमार भूटान व तिब्बत, भारत का सिक्किम लेह लद्दाख उत्तरी बंगाल व उत्तरी पूर्व राज्य, सब जगह संदेश जाए ऐसा, हर कोई खिंचा चलाए ऐसा हो नारा हमारा ऐसा, रमणीक अजंता गुफाओं का ऐसा प्रचार हो, ऐसा अजंता की गुफाओं का ऐसा प्रचार हो। अंत, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, परिणाम स्वरूप कवि रोहतास गुप्ता कहे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, भारतीय कारोबार में इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट स्पायरल होके घूमेगा, हवाई यात्रा रेल यात्रा सड़क परिवहन आधारित पर्यटन में बढ़ावा होगा, विदेशी मुद्रा का सर्जन होगा, विश्व पर्यटन पटल पर भारत का नाम रोशन होगा, हजारों विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने का भारत सरकार को सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।